नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, मोम किचन में आपका स्वागत है। आज एक मज़ेदार रेसिपी बनाते हैं, चलिए शुरू करते हैं। मज़ेदार रेसिपी के लिए सबसे पहले हम लेंगे घी। घी ये एक चम्मच और ये दो चम्मच मैंने घी लिया है। अच्छा गर्म होने देंगे पहले। और ये मैंने कुछ ये बादाम के टुकड़े लिए, मोटे मोटे रखने हैं इनको, और कुछ 8-10 ही काजू के टुकड़े भी ऐसे मोटे मोटे मैंने ले लिए। अब ये घी भी अच्छे से हो गया, इसमें ये काजू के टुकड़े डाल देंगे पहले, और ये बादाम के टुकड़े भी इसमें डाल देंगे। ये मैंने करीब 10 बादाम और 10 ही काजू लिए और इनको अच्छे से रोस्ट करेंगे इसमें, और इनको धीमी आंच पर रोस्ट होने देना। रोस्ट होते हैं इतने में बता दूँ आज हम किसका हलवा बना रहे हैं। आटे का और सूजी का हलवा तो आपने कई बार बनाया है और खाया भी है, लेकिन आज हम जो हलवा बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्पेशल है, शायद आप नाम सुन के भी चौंक जाएंगे। हम बनाने जा रहे हैं पोहे का हलवा। जी हाँ, पोहे का हलवा। आप पोहे तो हमेशा नाश्ते में स्नैक्स में खाते हो, लेकिन आज आप एक मज़ेदार इसकी मिठाई यानी कि हलवा खाएंगे। और मेरा ये दावा है कि अगर आपने एक बार इसको बना के खा लिया तो आप बार बार बनाएंगे। तो ये मेरे रोस्ट हो गए, थोड़ा थोड़ा कलर चेंज कर लिया है। पहले ये पोहे भिगो के रख दिए, जैसे अपन पोहे बनाते वैसे इनको धो के अच्छे से ऐसे भिगो के ऐसे जाली पे इनको रख देना है। अब ये इनको हाथों से ऐसे इनको मसल देना ताकि ये एक के दो हो जाए ऐसा। अब मैंने इसमें गुड़ लिया, एक प्याला एक कटोरा मैंने पोहे लिया था, तो ये उससे आधा ये कटोरा है ये मैंने गुड़ लिया। अब ये गुड़ इसमें डाल देंगे। इनको मैंने बारीक बारीक टुकड़े कर दिए थे। बिल्कुल धीमी रखनी है, इसको तेज नहीं करना है, धीमी आंच पे बहुत अच्छा है गुड़ के। और इसको टुकड़े कर देंगे, बारीक टुकड़े लेने हैं गुड़। जैसे अभी सर्दी का टाइम है, आप अगर देसी गुड़ लेंगे तो बहुत ही अच्छा है। ये मैंने देसी गुड़ ही लिया था। मैं इसमें आधा कप पानी डाल दूँ, यही कप मैंने पोहे लिया था और यही कप में आधा ये पानी इसमें डालेंगे। पानी गुड़ सब एक जैसा हो गया। अब ये जो पोहे मैंने भिगो के रखे थे उनको बहुत ज़्यादा तो नहीं तोड़ना, लेकिन ऐसे थोड़ा थोड़ा करके एक के दो हो जाए ऐसा करके इसमें डाल देना सारा। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है, जैसे हम पोहे बनाते हैं सुबह तो कितना जल्दी बन जाते, उतना ही जल्दी उतने ही टाइम में ये मिठाई भी बन जाएगी। अब इन सबको एक जैसा हम मिलाएंगे। थोड़ा और भी इनका बड़े बड़े अगर पोहे लगते हो तो ऐसे इनको टुकड़े कर देना है। 5 मिनट तक मैं इसे मिक्स करती रही। ये देखिए एक जैसा सब मिक्स हो गया, ये हमारा करीबन हलवा तैयार होने आया। लेकिन हलवे में जब तक ऊपर घी अगर नज़र नहीं आता तो खाने का मज़ा नहीं आता है। तो अब यहाँ ऐसा करना है कि पहले मैंने छोटा 3 चम्मच घी लिया था, तो अभी और 3 चम्मच घी लेना है इसमें। या साइड में एक और ये दो और ये 3, तो इसके ऊपर थोड़ा सा घी आएगा तभी हलवा का मज़ा आता है। और आप अगर डाइट के हिसाब से खा रहे हो, वेट लॉस के हिसाब से, तो ना ये घी ना डालेंगे तो भी चलेगा, लेकिन इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। जैसे हम लापसी खाते हैं ना वैसा ही इसका स्वाद आएगा, यकीन मानिए। एक बार आप ज़रूर बनाएं, और एक बार बनाया मेरा ये दावा है कि आप बार बार इस हलवे को बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी बनने वाला है और सर्दियों में तो बहुत अच्छा लगेगा। इसके अंदर गुड़ है, देखिए मैंने जो रोस्ट किए थे ड्राई फ्रूट सब इसके ऊपर आ गए, तो इसका स्वाद ड्राई फ्रूट को रोस्ट करने से इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। ये हलवा बिल्कुल तैयार है। आज ये नई रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।